वेबपी इमेजेस क्या होते हैं, ये किस टाइप की फाइल है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वेबपी फाइल को अपने कंप्यूटर में आप कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि फाइल फॉर्मेट की। ये जो है वेबपी जो फाइल है, इसे हम जो है WEBP फाइल भी कह सकते हैं। इसे गूगल ने डेवलप किया था 2010 में। क्यों डेवलप किया था? जिससे मान लीजिए कि जो वेबसाइट होती है, अगर आप वेबसाइट पर वेबपी फाइल जो है इस्तेमाल करते हैं पिक्चर इमेजेस के लिए, तो आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा तगड़े तेज से जो है लोड होती है, इसलिए गूगल ने इसका इस्तेमाल किया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो है आविष्कार गूगल ने किया था 2010 में, और ये एक तरह से फाइल फॉर्मेट है, और ये किसी भी इमेज को जो वेबसाइट पर होती है उसकी जो साइज है उसको रिड्यूस कर देती है, और दोस्तों उस वेबसाइट पर जिस पर ये इमेजेस होगी उसको लोड कर देती है बहुत फास्ट। तो ये इसका कुछ गुण है। इसके अलावा यदि आप WEBP जो फाइल है इसे अगर आप जो है इस्तेमाल करते हैं अपने वेबसाइट को मोबाइल पर, तो काफी आपका जो बैटरी है वो बैटरी सेव होती है, तो ये मोबाइल यूजर्स के लिए भी काफी अच्छा है और वेबसाइट ओनर के लिए भी अच्छा है। साथ ही कि जो ओनर है उनके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन इसके साथ ही जो यूजर्स उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब वेबसाइट बहुत फास्ट लोड होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही फास्ट जो है मिलेगी। तो ये कुछ तथ्य है जो आप लोग को जानने चाहिए थे। अब चलिए जानते हैं कि ये जो वेबपी फाइल है वो कौन कौन से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स ब्राउजर, ओपेरा, एंड दोस्तों एंड्रॉइड बिल्ट इन ब्राउजर में इसके साथ ही जो है सफारी को भी ये सपोर्ट करता है। अब बात आती है कि आप जो है वेबपी फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप इसे इजीली अपने पर्टिकुलरली वेब ब्राउजर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं WEBP फाइल को। और इसके अलावा दोस्तों आप इसे डबल क्लिक करके सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने इंटरनेट से जो भी फाइल, मान लीजिए कि आप यहां से डाउनलोड कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये जो है कंप्यूटर इमेजेस है, मैं इसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाहता हूं, तो जैसे मैं सेव इमेज पर क्लिक करूंगा तो यहीं पर दोस्तों ये जो फाइल है देखिए आ जाती है नीचे। जैसे आप इसको सेव करते हैं तो वेबपी फाइल में ही ये जो है सेव होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली जो है JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम इसको सेव कर रहे हैं तो ये जो फाइल है वेबपी फाइल फॉर्मेट में यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर सो इन फोल्डर पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फाइल जो है हमारा सेव हुई है वो उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर अगर टाइप की बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ब्राउजर वर्जन में यहाँ पर आ चुका है। अगर इस पर राइट क्लिक करें और इसके प्रॉपर्टीज पर, यानी कि जो हमने जो इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड किया उसके प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें तो आप पाएंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें जो एक्सटेंशन है वो वेबपी फाइल का एक्सटेंशन है। देखिए, यहाँ पर हमने इसको प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया तो जैसे हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो साइज है वो आपको मिल जाएगा, जो उसका जो है इमेजेस का, देखिए कितना कम साइज का यहाँ पर इमेजेस आपको मिल रहा है। इसके अलावा आप इसका फाइल फॉर्मेट भी जो है आप देख सकते हैं, ये जो है वेबपी फाइल फॉर्मेट टाइप ऑफ फाइल जो देख सकते हैं यहाँ पर दिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो इस फाइल फॉर्मेट को जो है चेंज भी कर सकते हैं जेपीजी में। सिंपली आपको यहाँ पर जाना होगा, सेव इमेजेस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको एंड में जहां पर फाइल नेम है वहां पर .jpg बस यहाँ पर लिखना है, उसके बाद सेव करना है। तो अब ये जो फाइल है ना, देखिए यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर आ चुकी है। तो ये तो हो गई कि आपको जो है वेबपी फाइल को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपने सीख लिया बहुत ही इजीली। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो है और इसके गुण क्या है, कैसे जो है ये बेस्ट है। देखिए, आप सिंपली चाहें तो वेबपी फाइल को जो है ओपन करके किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इसे जो है एडिट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर वेबपी फाइल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर ओपन विद पर क्लिक करना है, और आप इसको चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, इसके अलावा जो है पेंट वाला जो सॉफ्टवेयर आपके पीसी में है उसमें भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। देखिए, ये जो वेब फाइल है यहाँ पर आ चुकी है। अब आप इसको इससे बड़ा कर सकते हैं जो भी आप चाहें तो, और इजीली जो है आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है वेबपी फाइल फॉर्मेट जो है गूगल ने डेवलप किया था पहली बार, जिससे वेबसाइट को बहुत ही फास्ट तरीके से लोड हो सके। इसके अलावा आप इसे इजीली जो है इसका जो फाइल साइज है वो ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वेबपी जो है एक तरह से टेक्निक है जो इमेजेस को, उसका जो इमेज साइज है
जो साइज होता है उसको कम कर देती है और जिससे वेबसाइट बहुत ही फास्ट लोड होता है। इससे जो है आपके मोबाइल की बैटरी भी बचेगी, यदि कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, यदि लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो उसका लैपटॉप की बैटरी बचेगी। इसके अलावा सबका फायदा है कुल मिलाकर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेबपी फाइल फॉर्मेट क्या होता है, किसने डेवलप किया था, कैसे इसको ओपन कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो के लिए आप जो है आराम से टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।